नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने तिथि घोषित कर दी है बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने का, वहीं आपको बताते चले कि ना तो एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग को बात हुई है और ना ही महागठबंधन में। लगातार महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसी हुई है। एक तरफ जहाँ राजद ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है कि 60 सीट से ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा, जो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य इस वक्त राबड़ी आवास पहुंचते हैं। देर रात वो अब तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं। जो उनकी मुलाकात है वो बंद कमरे में हो रही है। तो जो इस वक्त की बड़ी खबर है कि भाकपा माले के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य तेजस्वी आवास और राबड़ी आवास पहुँचते हैं, वहाँ पर राबड़ी देवी और साथ ही साथ तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से कुछ दिन पहले भाकपा माले के द्वारा 30 सीटों के लेकर उम्मीदवारों का अपना नाम भी घोषित कर दिया गया था, पर आज दीपांकर भट्टाचार्य अचानक राबड़ी आवास पहुंचते हैं और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ बंद कमरे में उनकी मुलाकात हो रही है। तो जिस तरह से आपको बताते चले कि जहां एक तरफ CPI और CPM ने यह ऐलान कर दिया था कि हम महागठबंधन के साथ ही रहकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, वहीं जहां एक तरफ भाकपा माले ने यह ऐलान कर दिया था कि हम पूरे बिहार में 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने उम्मीदवारों के लिस्ट भी कल ही जारी कर दिया था, पर जो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात जो है बंद कमरे में हो रही है। वहीं आपको बताते चले कि जहां बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, पहले चरण का नॉमिनेशन जो है उसकी आज से पर्ची दाखिल करने का तारीख भी निकल चुकी है, पर यहीं ना तो NDA में अभी तक सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर कोई बात निकल के आ रही है और ना ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर बातचीत हो रही है। वहीं आपको बताते चले जिस तरह से हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज देर रात बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी पटना पहुंचेंगे और रात में ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार राजद की तरफ से कांग्रेस को यह अल्टीमेटम दिया जा रहा था कि आपको हम 60 सीट देंगे और 60 ही सीट पे आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि जिस तरह से लगातार राजद के नेता मनोज झा भी कह रहे थे कि 1-2 सीटों पर बात नहीं बनती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि इस बार, क्योंकि सरकार नहीं बदलनी है, सरोकार बदलनी है, पर जो महागठबंधन में जहाँ तक सीट फार्मूले को लेकर बातचीत है वो अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। वहीं आपको बताते चले कि VIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात किए हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमारी मांगे थी वो तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर ली है और जितनी सीटों को लेकर हमारी बात हुई थी वो इनका स्वीकार कर ली गई। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से दीपांकर भट्टाचार्य आज मुलाकात करने गए हैं क्या कुछ फैसला होता है। भड़ाला बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।